जब भी किसी ग्रंथ का शुभारंभ होता है तो मंगलाचरण किया जाता है। जान लीजिए मंगलाचरण क्या है। जिसका आचरण मंगलमय हो, जिसका आचरण पवित्र हो, हम सब उसी का ध्यान करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, जय जयकार करते हैं। आदमी की सुंदरता, आदमी का व्यक्तित्व या आदमी की गरिमा चमड़ी से नहीं है। आदमी की महिमा तो साहब उसके कैरेक्टर से है, उसके चरित्र से है कि उसका चरित्र कैसे है। चरित्रवान व्यक्ति जो है उसका हम हमेशा आदर करते हैं। और चरित्र कांच से भी हल्का होता है। कांच होता है ना, कांच, कांच अगर हाथ से छूट गया तो उसको टूटना ही है। उसी प्रकार एक बार अगर किसी का चरित्र छूटा, चरित्र गिरा, फिर उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। प्रेम से कहो राधे राधे। घर में जो हमारे बड़े बड़े घर में हम फोटो लगाते हैं, भगवान का चित्र लगाते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा हम चित्र की नहीं कर रहे हैं। अगर चित्र की ही महिमा होती तो हम सबके भी चित्र घर में टंगे होते कि नहीं, बोलो, हमारी भी लोग पूजा कर रहे होते। उस चित्र के पीछे जो भगवान का एक दिव्य चरित्र छुपा हुआ है, उस चरित्र की हम लोग पूजा करते हैं। महिमा चरित्र की है। और जीवन में जिसने अपने चरित्र को संभाल लिया वो पूजनीय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है, सम्माननीय बन जाता है। चरित्र की बहुत बड़ी महिमा है। तो आचरण को संभालें। आचरण जिसका मंगलमय है उसी का मंगलाचरण होता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें।